रशिया यूक्रेन युद्ध को आज एक साल पूरा हो गया है। 24 फरवरी 2022 को रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज एक साल पूरा होने के बाद भी ये जंग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस जंग में ना कोई जीता है ना कोई हारा है, लेकिन इस जंग का असर ना सिर्फ इन दोनों देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। जंग की शुरुआत करते समय प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा था कि हमारा मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है, ना कि उन पर कब्जा करना। प्रेसिडेंट पुतिन के इस ऐलान के बाद ही रशिया की सेना ने 2,00,000 सैनिक यूक्रेन में घुसा दिए थे। प्रेसिडेंट पुतिन के इस ऐलान के बाद ही रशिया के सेना के 2,00,000 सैनिक यूक्रेन में घुस गए। इसके कुछ ही घंटे बाद यूक्रेन की राजधानी कीव तक रशिया के बम पहुंच गए थे। इस युद्ध के ऐलान के बाद ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने टीवी पर आकर जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि ये जंग यूक्रेन के लोगों को आजाद कर देगी, लेकिन यूक्रेन के लोग तो पहले से ही आजाद हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो हमला करते हैं तो हम उनका सीधा सामना करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। पुतिन ने जब जंग का ऐलान किया तब लगा था कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन ये जंग खींचती ही जा रही है। उसी जगह एक साल पूरा भी हो गया है। इस एक साल में शहर के शहर तबाह हो गए हैं। जंग का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक एक साल की इस जंग के दौरान यूक्रेन में 8,006 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 13,000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस जंग में 487 बच्चों की भी मौत हो चुकी है। जो बच गए हैं वो शरणार्थी बन जिंदगी काट रहे हैं। रशिया पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, यूक्रेन भी सीना ताने खड़ा है। इस जंग में न सिर्फ दो देशों को प्रभावित किया है बल्कि दुनिया की भी अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंचाई है। वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि इस जंग में रूस के 1,80,000 और यूक्रेन के 1,00,000 सैनिकों को या तो मार दिया गया है या फिर वो घायल हो गए हैं। एक स्टडी के मुताबिक कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि 24 फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक रूसी हमलों में यूक्रेन के 138 अरब डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। अगर इंडियन करेंसी में इसी अमाउंट को हम आपको बताते हैं तो वो है लगभग 11,00,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। आपको क्या लगता है ये युद्ध कौन से नतीजे पर पहुंचेगा, कौन जीता है या कौन हारा है? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।